हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पाठशाला बाय सुप्रीत धमीजा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कुछ रेंज कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 4-5 ईयर्स, एंड ये आपको इस बारी के जेआरएफ की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम हमने नोटिस किया था दैट पॉल साइंस के पेपर में काफ़ी सारे फॉरेन पॉलिसी के ऐसे इनिशिएटिव्स आ गए थे जिसके बारे में हमें पता नहीं था। सो वी आर गोइंग टू क्विकली डू दिस। ये आज इसका पार्ट वन है। मैं इसके ऐसे और पार्ट्स आपके लिए पेपर तक डे वाइज लेकर आती रहूंगी। आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको मेरी वीडियोस के, क्लासेस के और पीडीएफ्स के सारे अपडेट्स मिलते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर मैं डेली क्विज भी कंडक्ट करती हूँ पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईपीएफ के बारे में बताना चाहती हूँ। आईपीएफ एक्चुअली एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है और इसमें जो मेन मकसद है वो ये है कि जैसे कंपटीशन हो, फेयरली ग्रो करे, है ना। आप लोगों को पता ही है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में कंडीशंस का कितना ज़्यादा फर्क होता है और इसलिए इकोनॉमी बहुत हैम्पर हो जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, क्योंकि मेजरली जो भी रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअली ये इनिशिएटिव में मेन जो रोल है वो यूएस का है। वैसे जो ये इनिशिएटिव है इसमें जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे हैं। मतलब इमेजिन करिए कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फीजी जैसा भी कंट्री, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। यू कैन सी कि कितना बड़ा, मतलब मिक्स्ड सा ग्रुप नहीं है, कितनी डिफरेंट ज्योग्राफी एक साथ आई हुई है। तो जितने पैसिफिक ओशन के मेजर कंट्रीज हैं वो इसमें हैं, साथ में लोकेटेड हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएस ने ले रखा है, सॉरी यूएस लेड इनिशिएटिव है मेजरली तो वैसे, और इसको जो है बहुत सारे पार्टनर्स के साथ इसीलिए 2021 में लाया गया था ताकि ये वर्ल्ड जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट कर सके। करीब 40% वर्ल्ड जीडीपी आज इसमें रिप्रेजेंट होता है। देखिए, आईपीएफ कोई ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन आईपीएफ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर कंट्रीज चाहें तो आपस में जैसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशंस बेटर बिल्ड हो तो आप सामने वाली कंट्री से बार्गेनिंग करके डिमांड रख सकते हैं कि फलाना प्रोडक्ट या फलाना चीज की मेरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट तुम इतने में करने को तैयार हो क्या, मुझे इतने में नीड है, क्या तुम देने को रेडी हो। इस तरह के जो एक निगोसिएशंस कह सकते हो आप, जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर कंट्रीज डेवलप करना चाहें तो कर सकती हैं, बट ये कोई प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे साफ्टा है वैसा नहीं है, ठीक है। इसके चार बड़े पिलर्स हैं जिस पर ये काम करता है। पहले तो सप्लाई चेन वाला, कि डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो इस एरिया में मेंटेन रहे, ऐसा ना हो कि आपकी नीड्स ही नहीं पूरी हो रही है कंट्रीज की और फिर उनको बहुत महंगे महंगे टैरिफ्स और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं चीजें प्रोड्यूस करवाने के लिए बाहर से, इसलिए सप्लाई चेन मेंटेन हो जाए। दूसरा जो इस स्टेट का सबसे बड़ा आज का बड़ा क्वेश्चन है कि क्लीन एनर्जी नहीं है हमारे पास, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तीसरा पॉइंट फर्स्ट से ही कनेक्टेड है। ये देखिए, टैक्सेस मार देते हैं कंट्री को जब उसे सामान बाहर से मंगवाना होता है। द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ कंट्री इज पेइंग सो मच ऑफ टैक्स। तो टैक्सेशन हमें जितना हो सके उस पर काम करना है और फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड करने की कोशिश करनी है। वी ऑल्सो वॉन्ट की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फेयर हो सके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सुधर सके, ये भी हमारे मकसद में शामिल है। इंडिया के साथ 13 कंट्रीज जो पैसिफिक ओशन में है करेंटली वो इसके मेंबर्स हैं। इंडिया का पर्सनली क्या पोजीशन है आईपीएफ पे? तो इंडिया ने अभी इसको ना बहुत वैसे रखा हुआ है कि देखेंगे, सोचेंगे कि क्या करना है। अभी वो कुछ टाइम के लिए ना इस पर कोई स्टैंड डिक्लेयर नहीं करना चाहता। उसका मेजर रीजन यही है कि अभी उसको पता नहीं है कि हर चीज उसके बेनिफिट में काम कर रही है या नहीं। तो आईपीएफ के साथ अगर जुड़ना है तो अभी थोड़ी चीजों पे काम देखना पड़ेगा, पहले सिचुएशन जांचनी परखनी पड़ेगी। जैसे डिजिटल गवर्नेंस की अगर मैं आपके साथ बात करूं, जो कि हमारे देश की इस टाइम बहुत बड़ी नीड है, उस पर थोड़े से विचार जो इंडिया की तरफ से है वो चल भी रहे हैं। काफी कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया है जिसमें वो इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, नेगोशिएशन करना चाहते हैं, पर अभी हमारे पास इसका कोई खास क्लियर स्टैंड अवेलेबल नहीं है। अब आईपीएफ और बाकी डील्स जो कंट्रीज करते हैं या हम करते हैं उसमें क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंसेस है? आईपीएफ बाकी ट्रेड पैक्ट जैसा नहीं है, है ना।
एंड ये नहीं है कि आपको मतलब फिक्स्ड रूल्स हैं कि सबको वही फॉलो करने होंगे, एक फोरम तरीके का है जहाँ पर आप एक्चुअली चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है। अगर आपकी चॉइस बन रही है कि मुझे फलाना डील में पार्टिसिपेट करना है तो ठीक है, अगर आपकी चॉइस नहीं बन रही है उसमें पार्टिसिपेट करने की तब भी ठीक है। सो इट्स मेजरली लाइक कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आपकी चॉइस क्या है। तो इसमें ज्यादा प्रायोरिटी पार्टिसिपेंट कंट्रीज को ही दिया जा रहा है। इसके अलावा ये एक ऐसा नहीं है कि आपको जब मन आया आ गए, जब मन आया चले गए वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। इट्स मोर लाइक अ इन्वॉल्व अग्रीमेंट, है ना। आप ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीलेटरल ट्रीट जो ट्रीटीज होती हैं उनकी तरह आपको बस जो है उसी को स्वीकार करो नहीं तो निकल जाओ, ऐसा नहीं है। आप निगोशिएट कर सकते हैं अपने लिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइसेस होती है ना कि आपको एक टी शर्ट 200 में खरीदनी है, 300 में खरीदनी है, आप कितना देना चाहते हो। अगर शॉपकीपर और आपका अलाइनमेंट हो गया तो आपकी ट्रीट डील हो जाती है, और अगर नहीं होती तो आप छोड़ देते वो प्रोडक्ट, और शॉपकीपर की नहीं बन रही होती तो वो भी कह देता है कि जाइए मैं नहीं बेच पाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जरूरी नहीं है हर चीज माननी है, हर चीज एक्सेप्ट ही होगी, होगी ठीक है, नहीं होगी तो नहीं ठीक है। भारत ने भी ना सब कुछ नहीं ज्वाइन किया इसमें। भारत ने भी आपने देखा होगा जैसे चार प्रिंसिपल्स हैं इसके, है ना, तो इसमें से भारत ने भी ऊपर के तीन वाले जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ज्यादा महत्व दिया है, और इसने भी नीचे जो फेयरनेस वाला पॉइंट है उसे एलिमिनेट किया। क्योंकि जहां पर यूएस के साथ डील की बात आ जाए वहां पर फेयरनेस काफी बड़ा क्वेश्चन ही होता है, क्योंकि यूएस जिस तरीके से ट्रेड और डेवलपमेंट करता आ रहा है हम तो मैचअप नहीं कर सकते अभी तक भी। सो एक तरीके से भारत ने लास्ट पॉइंट को जो है निग्लेक्ट करते हुए शुरू के तीन पॉइंट्स में ही डील करी है। दूसरा फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ पे मैंने मैप भी अटैच करके दिया ताकि आपका थोड़ा दिमाग में रेफरेंस क्लियर हो। तापी एक्चुअली चार कंट्रीज के नाम से बना है। तुर्कमेनिस्तान है, ये देखिए तुर्कमेनिस्तान से आप मूव करते हैं अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और ये फिर हमारा इंडिया आ जाता है। तो ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। अब है क्या, तापी पाइपलाइन को वैसे नॉर्मल उसमें पीस पाइपलाइन कहते हैं क्योंकि जिन एरिया से गुजरते हुए आ रही है सब में बहुत ज्यादा अपहीवल्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चलते आए हैं। पीस पाइपलाइन की लेंथ 1814 किलोमीटर है, और ये नेचुरल गैस का पाइपलाइन है। शुरुआत इसकी तुर्कमेनिस्तान से होती है और इसे इंडिया पहुंचना है, लेकिन इसका रास्ता है वाया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो ये वाया पड़ेंगे ही पड़ेंगे बीच में। इससे दो फायदे हैं। देखिए, हमारे पास नेचुरल गैस रिसोर्सेज की कमी है ये आप सबको पता है, हमारे पास सप्लाई पहुंच जाएगी, रास्ते में जिसको जरूरत है वहां से भी सप्लाई पहुंचाई जा सकेगी, और तुर्कमेनिस्तान के लिए ये एक इनकम सोर्स हो जाएगा क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के पास नेचुरल गैस रिजर्व्स की एम्पल है, तो वो वहां से पैसा कमा लेंगे और हमारी नीड पूरी हो जाएगी। ये तापी पाइपलाइन कंपनी है, वहां से इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम जो है इसे स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो चारों राज्यों के अपने अपने पर्सनल गैस सर्विस वाली जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो इन्वॉल्व है। जैसे तुर्कमेन गैस तुर्कमेनिस्तान से हो गई, अफगान गैस अफगानिस्तान की हो गई, इंटर स्टेट गैस सर्विस पाकिस्तान की हो गई, और अपने यहां तो आपको पता ही है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल मिलकर कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, ये चारों कंट्रीज ने मिलकर एक इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट साइन कर लिया, मतलब चारों देशों का एक मिक्स्ड अग्रीमेंट, और उसमें इनका जो मकसद था वो था गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क्स अग्रीमेंट। मतलब अब ये लोग जो है गैस पाइपलाइन का जो बेस है वो तय करते हुए दिसंबर 2010 से जो है पाइपलाइन का डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की डिस्कशन करते हैं। ये है HOAIP। HOA का मतलब हार्ट ऑफ एशिया है और IP मतलब इस्तांबुल प्रोसेस है। ये हो आईपी नवंबर 2011 में इस्तांबुल टर्की में स्टार्ट हुआ था। अब ये हो आईपी है क्या, जरा सुनिए। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर रीजनल कोऑपरेशन की बात करी जाती है। इसका केंद्र बिंदु अफगानिस्तान है। केंद्र बिंदु अफगानिस्तान क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान में है, और अगर अफगानिस्तान में पीस सिक्योर रहा तो नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक पीसफुल एरिया की डेवलपमेंट हो सकेगी। तो अफगानिस्तान का केंद्र पे एक स्टेबल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरे एशिया के दिल को धड़कने के लिए बड़ी मदद करेगा। हमारे हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, उसके पास
वेन्स होती हैं जो ब्लड कैरी करती हैं। जब आप सुनते हैं कि कोई दिल का मरीज हो गया है या उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसका बायपास सर्जरी हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो आपको पता चलता है कि उसकी जो हार्ट की वेन्स है उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज आ गई है, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज आपके हार्ट को पंप ढंग से नहीं दे पा रही है ब्लड का, जिसकी वजह से लोग आइदर दे अंडरगो ऑपरेशन या वो दवाइयों पर आ जाते हैं। तो इमेजिन करिए, अगर अफगानिस्तान वाली पूरी नस ही ब्लॉक रहेगी तो एशिया का हार्ट कैसे धड़केगा? इसलिए अगर एशिया का हार्ट ढंग से धड़काना है, उसके लिए एक बहुत अहम चीज है कि आप कोशिश करें कि अफगानिस्तान को स्टेबल कर सकें। तो अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी और उसके रीजनल पार्टनर्स जो भी चैलेंजेस शेयर कर रहे हैं, उनके लिए स्टार्ट हुआ था। इसमें 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, 17 इसे बाहर से सपोर्ट करती हैं और 12 ऑर्गेनाइजेशन इसे सपोर्ट कर रही हैं, भारत भी इसका हिस्सा है। अब जब से ये स्टार्ट हुआ है, तब से ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गया है कि देखते हैं कि कितना बेनिफिट होता है, कि अफगानिस्तान तक कितनी मदद इससे पहुंच सकती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो आप स्क्रीन पर मैप के साथ देख सकते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। ये सेंट पीटर्सबर्ग बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है रशिया में, हिस्टोरिकली वहां पर स्टार्ट हुआ था, और ये इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें पूरा पूरा। और ये था कि हम जो है ट्रांसपोर्टेशन इजी कर सकेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे बेहतर करी जा सकती है, ट्रैवलिंग टूरिस्टिंग कैसे बेटर हो सकता है, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे बेटर हो सकता है। तो INSTC बनाया गया था 12 सितंबर 2000 में, ठीक है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन सोर्स था। आप जैसे मैप में देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट होते होते सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से शुरू होते होते हमारे पास मुंबई इंडिया तक ये रास्ता पहुंच रहा है। INSTC को बाद में 11 न्यू मेंबर्स के साथ एक्सपैंड करा गया। अब अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, जो जो रास्ते में पड़ता जा रहा है उन सबको भी कवर कर लिया गया है, और कुछ इसमें ऑब्जर्वर मेंबर्स को भी रखा गया है। 7200 लॉन्ग जो है इसका नेटवर्क है। अब 7200 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क में तीन तरह के ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स कवर हो रहे हैं। मल्टी मोडल है तो आप समझ ही गए होंगे, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। शिप वाला मेथड है, रेल मेथड है और रोड मेथड है, ठीक है। ये तीनों ही रूट्स हैं, तीनों पर ही तरीका चलेगा और उससे इजी करा जाएगा कनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रीज। इसमें मेजरली जो है वो सामान लेना छोड़ने वाला जो फैसिलिटीज है उनको इजी करने के लिए किया गया है। भारत और रशिया के बीच जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका जो प्राइस है वो शिपमेंट्स का 30% नीचे आ जाएगा अगर ये सही से हो गया तो, और जो 40 डेज लगता है सामान यहाँ से वहां पहुंचाने में वो 20 डेज हो जाएगा, 20 डेज से भी कम हो सकता है अगर ये सही से डेवलप हो गया तो। ये इंडियन ओशियन, पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी, ये तीनों कनेक्ट होते हैं, इसके बीच में ईरान पड़ता है, फिर आप यूरोप तक लीड करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग के थ्रू। अश्वगत अग्रीमेंट नेक्स्ट होगा। तो अश्वगत अग्रीमेंट जो है 2018 में भारत ने ज्वाइन किया था। इसका जो मेन मकसद था वो भी सेंट्रल एशिया, पर्शियन गल्फ को मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट तरीके से जोड़ने का ही है, और इसको उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ओमान, कतर ने 2011 में स्टार्ट किया था। 2013 में कतर ने बोल दिया मैं नहीं रह सकता, वो बाहर हो गया। कजाकिस्तान और पाकिस्तान ने 2016 में ज्वाइन कर लिया। ये 2016 से एक्चुअली जो है कल्मिनेट हुआ है एज अ प्रॉपर अग्रीमेंट। इसका मकसद भी आप देख सकते हैं कि इस इलाके में ट्रांसपोर्टेशन इजी एंड क्विक करना है, एक पैसा कम लगे और जल्दी हो जाए। इसकी कनेक्शन वही INSTC से है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये वाला। सो ये यहाँ पर बीच में पड़ जाता है और ये उसी का ही एक हिस्सा साथ में जुड़ जाएगा। RIC की बात करते हैं। RIC जो ग्रुपिंग है ये एक्चुअली 1990s में प्रिमाकोव ने शुरू करी थी। इसका मकसद यही था कि आप एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, और वो बैलेंस होगा रशिया, इंडिया, चाइना के थ्रू, है ना। रशिया, इंडिया, चाइना एक बैलेंस बनाएंगे अगेंस्ट द US। तो US की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ठंडा करने के लिए इंडिया के साथ, तो रशिया का पहले जो रिलेशंस थे सोवियत के टाइम पे वो आपको पता ही है, और चाइना के साथ नई नई जो फ्रेंडशिप है उसको बिल्ड करेंगे। RIC कंट्रीज 19% ग्लोबल लैंडमास कवर करती हैं और टोटल GDP का 33% कंट्रीब्यूट करती हैं। अब ये कितनी हद तक सफल है ये तो अगर आप
इंटेलिजेंट है तो आपको समझ आ ही जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते हैं कि जहां एक तरफ कॉर्ड है वहां पर आरआईसी और क्वाड कितने ज्यादा क्लैश कर रहे होंगे ओपिनियंस में, क्योंकि एक तरफ चाइना को काउंटर करने की बात चल रही है और दूसरी तरफ चाइना के साथ एक ग्रुप यूएस को काउंटर करने की बात कर रहा है, इंडिया दोनों का ही हिस्सा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया के बारे में। बांग्लादेश और इंडिया का एक इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इन पर इन्होंने एक प्रोटोकॉल साइन करा था 1972 में, ठीक है, बहुत पुराना प्रोटोकॉल है। उसके बाद 2015 में उसको 5 साल के लिए रिन्यू भी कर दिया गया था। फिर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट करके इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल भी डाल दिया गया था, जहां पर ये दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ पोर्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते थे, मतलब पोर्ट्स डेवलप करना एक दूसरे के साथ, ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन रिलेशंस को बेटर करने के लिए। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैत्री सेतु के बारे में। अगेन अगर आप देखें तो आपके साथ आपके पास इस साइट पर एक मैप भी अवेलेबल है। 9 मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने ये जो नॉर्थ ईस्ट ब्रिज है बेसिकली मैत्री सेतु, इसको लॉन्च करा था, इसको स्टार्ट करा था। ये त्रिपुरा से कनेक्ट हो रहा है इंडिया में और ऑब्वियसली एक्सटेंड्स टू बांग्लादेश। इसे मैत्री सेतु इसलिए रखा गया, सेतु ब्रिज है मैत्री, यहाँ पर रियलाइज करवाना चाहता है दैट इंडिया और बांग्लादेश एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में बंध रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। भारत का जो बैकग्राउंड है वो आप जानते ही हैं, बांग्लादेश को लेकर लिबरेशन वॉर भी इंडिया की वजह से ही सक्सेसफुली जीती गई थी, और वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा के साथ बॉर्डर शेयर होता है। 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, काफी लंबा चौड़ा, और इसी वजह से बांग्लादेश हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाला सबसे बड़ा नेबर बन जाता है। अगर हमारे बीच में भी लिंक सही नहीं रहेंगे तो फिर फायदा क्या होगा, इतने अच्छे पड़ोसी और इतनी बड़ी लैंड बॉर्डर का फायदा होगा, निकलेगा क्या कंक्लूजन। इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा गया है, वो सरकार भी इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहती है और ये सरकार भी, कि ये मौका देगा ना सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन बल्कि नॉर्थ ईस्ट को एक मौका मिलेगा। और आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार में आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है पैरा डिप्लोमेसी, जो 22 का सवाल भी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि अब स्टेट्स को भी पावर मिल रही है कि आप भी जो है किसी कंट्री के साथ एक्सटर्नल रिलेशन बना सकते हैं। तो बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जो पीएम हसीना, उन्होंने भी अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में यही कहा था कि बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है ना, और काफी टाइम से हम इस पे डिस्कशन पर थे, पर चलो फाइनली जाकर जो है इसकी शुरुआत हो पाई, अच्छे से ये कल्मिनेट हो पाया। तो फिलहाल 2021 से मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। आज की क्लास के लिए इतने ही फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाई थी, पार्ट टू बहुत जल्दी लेकर आऊंगे। अगर पार्ट वन पसंद आया तो प्लीज यार लाइक करते हुए जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि पता चले कि आपको पार्ट वन अच्छा लगा है, तभी इसका पार्ट टू मैं आपके लिए लेकर आऊं ताकि आप जेआरएफ के एग्जाम में परेशान ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, बाय।